जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में गए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही मोर्चा संभाल कर खड़े हैं। अब कोर्ट में इन दोनों का जिक्र होते ही नया सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी कह रही केजरीवाल ने इन दोनों का नाम इस वजह से लिया ताकि ये दोनों मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाएं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि साल 2022 में ही विजय नायर कह चुका है कि वो केजरीवाल को नहीं आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी हिरासत के दौरान आतिशी जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिया। वो नहीं चाहते कि उनके जेल में रहते को और मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज सनसनी केज खुलासा किया है, एक बात स्पष्ट हो गई है कि शराब में घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने मना नहीं किया। जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। डेढ़ साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। अब आज अब डेढ़ साल बाद जब आपको कुछ नहीं मिला तो ईडी ने सवाल पैदा होता है कि आज डेढ़ साल बाद जो बयान लिखित में ईडी के पास खुद है वो डेढ़ साल बाद क्यों उठा रहा है। ईडी ने अगर कोर्ट में केजरीवाल का हवाला देते हुए आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के इन दोनों बड़े नेताओं को लेकर भी हलचल देखी जा सकती है। वैसे भी आम आदमी पार्टी का लगभग पूरा टॉप ऑर्डर तिहाड़ जेल में है। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया जेल नंबर एक में है। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर दो में रखे गए हैं, जबकि विजय नायर को जेल नंबर चार में रखा गया है। संजय सिंह जो पहले जेल नंबर दो में थे वो अब पाँच नंबर जेल में शिफ्ट हो गए हैं। के कविता को जेल नंबर छह और सत्येंद्र जैन को जेल नंबर सात में रखा गया है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री और कुछ विधायक भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। 30 मार्च को ही ईडी ने शराब घोटाले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। 5 घंटे तक उनसे पूछताछ भी हुई। कैलाश गहलोत पर आबकारी नीति का ड्राफ्ट करने का आरोप है। बताया ये भी जा रहा कि विजय नायर कैलाश गहलोत के घर पर ही रुकता था। जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो लॉटेड है ना, मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया, सीबीआई में जब बुलाया था तब भी ये स्टेटमेंट था। सिर्फ शराब घोटाला ही नहीं, ईडी के अधिकारी दिल्ली के जल बोर्ड घोटाले की भी जाँच कर रहे हैं और उसमें भी अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था। कई बार समन भेजे जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हुए थे। शराब घोटाले की जांच में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ चले गए, लेकिन तिहाड़ जाने से पहले ईडी के सामने एक ऐसी बात कह दी जिससे आम आदमी पार्टी के दो और बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई। आज जब ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो उसने आगे के लिए कोई रिमांड नहीं मांगी, लेकिन एक ऐसा दावा जरूर कर दिया जो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के गले की फांस बन सकता है। केजरीवाल के हवाले से ईडी ने कोर्ट में बताया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जब ईडी ने ये बात बताई तो केजरीवाल चुप थे और इस बात का खंडन भी नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ जब इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम कोर्ट के अंदर लिया गया हो। खास बात ये भी है कि आतिशी ही गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की प्रभारी थी। विजय नायर वही शख्स है जिसे ईडी शराब घोटाले में साउथ ब्लॉक और आम आदमी पार्टी का बिचौलिया बता रही है। ईडी ने जिस वक्त कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया उस वक्त दोनों कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। सौरभ भारद्वाज तो अपना नाम सुनकर चौंक गए। उनके बगल में ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जबकि आतिशी बिल्कुल खामोश खड़ी रही। कोर्ट रूम से बाहर निकलने पर जब आतिशी से उनका नाम आने पर सवाल हुआ तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते हुए वापस कोर्ट रूम में चली गई। पहली बार ये बात बोला गया है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करता था।